नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुख करेंगे खबरों की ओर। शहडोल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। ब्योहारी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद प्रत्याशी ज्योति अरविंद गुप्ता चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। प्रत्याशी लोगों की समस्याएं सुनकर मांगों को पूरा करने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। प्रत्याशी ज्योति गुप्ता को जनता का पूरा समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते साधना ने उसकी टीम ने प्रत्याशी ज्योति गुप्ता से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, इस समय चारों तरफ नगर परिषद चुनाव की धूम मची हुई है, और धूम हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार मतदाताओं को 5 साल में नहीं बल्कि 7 साल में मौका मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद ब्योहारी की, और हमारे साथ में है नगर परिषद ब्योहारी से वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी है ज्योति अरविंद गुप्ता चौधरी। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप ये चुनाव लड़ रही हैं और कैसा बदलाव करना चाहेंगी? मेरा सबसे पहले तो उद्देश्य है कि जो हमारा वार्ड क्रमांक में मैंने वहाँ भ्रमण किया, चर्चा की, तो वहाँ के लोग बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति जी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ की नाली की है। जो आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो नाली उनके घर पानी उनके घर के अंदर जाने लगता है, और सड़क एकदम ओवर खावड़ उखड़ी हुई है। विकास के नाम पर मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे काफी समय से मतलब 20 साल से जैसे चल रहा है, विकास के नाम पर हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और लोगों के अंदर जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, इसके अलावा भी हम और प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार का अवसर मिले, प्रशिक्षण हो, इसके साथ भी और जो मुझसे बन जाएगा, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, और जो सरकार की जो नई नई योजना चलती है उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगी और विकास करती रहूंगी आगे। ये बताइए कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे कि हमें जानकारी है कि आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है, और अभी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी जी, भाजपा से तो हम लोग काफी समय से जुड़े हैं। मेरे पूज्य पिताजी वो भी काफी समय से जुड़े थे, और वो सामाजिक सेवा, राजनीति सेवक, यहाँ तक आरएसएस में भी काफी, मेरे पति भी वो भी बाकी बहुत सेवा करते हैं आरएसएस में, समाज में। तो मुझे मतलब भाजपा की टिकट नहीं मिल पाने के कारण दुख तो हुआ, क्योंकि सामान्य सीट थी तो सामान्य लोग को नहीं मिला। तो निर्दलीय ही हम प्रयास किए हैं, और लोगों के बीच संपर्क करके, लोगों के बीच चर्चा होने पर हमें ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है कि आप आगे बढ़ो और आप प्रयास करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मतलब हमें ऐसा कहीं लग रहा है कि वो काफी समय से परेशान से घूमे दिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसा उम्मीद हमें नजर आ रहा है कि हमें। श्रीमती जी वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रही हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में आपने काम किया है, तो क्या आप मुद्दे हैं? आपको पार्टी से तो टिकट नहीं मिली, पर विकास किस तरह आप करा पाएंगे अपने वार्ड का? मैं विकास के लिए बात करूं तो विकास करने का उद्देश्य से ही मैंने प्रत्याशी श्रीमती ज्योति अरविंद गुप्ता चौधरी जी को चुनाव में लड़ाया है। और वार्ड नंबर 3 का जो विकास है, जो 20 साल से लगभग रुका हुआ है, उसी को ही हम मुख्य मुद्दा बनाकर हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का जो अंदर जो समाज है, जो नीचे तबके का व्यक्ति है, वो किस तरह से जीवन जी रहा है भय होकर, कि 20 साल से जो प्रत्याशी बैठा हुआ है उसने विकास के नाम पर जीरो कर दिया है। और वार्ड नंबर 3 हमारा विकास चाहता है, और हमारी भाजपा की जो मध्य प्रदेश की सरकार है उनकी योजनाओं का लाभ उस गरीब तबके के और छोटे तबके के जो व्यक्ति हैं, अंत्योदय तक रहने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी की जो स्वच्छता अभियान, मोदी जी की स्वच्छता अभियान, जो ये योजनाएं हैं, उनका वार्ड नंबर 3 में कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे स्वच्छता है। स्वच्छता के नाम पर वार्ड नंबर 3 जीरो, और हम यही चाहते हैं कि उस मतदाता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जीत बरगद के पेड़ के जो चिन्ह हमें जो मिला हुआ है उसकी जीत, और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जो भी अन्य हैं उनसे हट के जो भी प्रत्याशी आए हैं उनसे हट के हम विकास करने का वादा करते हैं। और अन्य जो योजनाएं हैं हमारे सरकार की,
योजनाओं का हम उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा हम मान लें कि आपकी जीत है, आपके वार्ड वासियों की जीत है। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारी जीत और मतदाताओं की जीत होगी, यही कहना चाहेंगे। तो आपने सुना, ये अरविंद गुप्ता जी थे और हमें यह यकीन है और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं, आपको शुभकामना भी देते हैं कि आपकी जो नीतियां हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उसका वार्ड नंबर 3 के समस्त वार्डवासियों को लाभ मिल सके और आप विजयी हो, ये हमारी शुभकामना है। आपने हमसे की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बरगद के पेड़ की सामने वाली बटन दबाकर श्रीमती ज्योति अरविंद गुप्ता चौधरी को भारी बहुमत से आशीर्वाद प्रदान करके और जीत दिलाएं, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। दोस्तों,